मेरा नाम जावेद हबीब है। आई थिंक लोग मुझे एज ए हेयर एक्सपर्ट जानते हैं, लोग मुझे एज ए सीजर मैन जानते हैं। मैं सालों का बिजनेस करता हूँ, फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस करता हूँ। इंडिया के अंदर मेरे 923 सालों चलते हैं, मेरे 70 एकेडमी चलते हैं, जहाँ हम लोग कम से कम हर साल 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन बाल काटने का था। जब तक दुनिया चलेगी, हमारा प्रोफेशन कभी मरने वाला नहीं, कभी खत्म होने वाला नहीं, बिकॉज कंप्यूटर कभी बाल नहीं काट पाएगा। अगर हम लोग बालों की हेल्थ की बात करेंगे, मेरा आंसर बहुत सिंपल है, महंगे शैम्पू आंसर नहीं है। शैम्पू उसका आंसर क्या है? बालों की सफाई। और सफाई कैसे करेंगे? बाल गीले करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद में उस पर तेल लगाएंगे। और मैंने बोला बालों पे तेल लगाएंगे, उसके बाद उसको फोम करेंगे ताकि हमारा तेल स्प्रेड हो जाए। हम उसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, शैम्पू करेंगे, आपके बाल कभी टूटने वाले नहीं, आपके बाल कभी ग्रे होने वाले नहीं। तो 50 साल से पहले किसी के बाल ग्रे नहीं होने चाहिए। तो अगर किसी के बाल ग्रे हो रहे हैं 50 साल से पहले, मतलब उसकी बालों के एजुकेशन में कुछ कमी है। सो प्लीज हमें एक ही चीज सीखनी है, बालों का रोमांस क्या होता है। और रोमांस क्या है? अगर बाल होंगे तभी रोमांस होने वाला, बिकॉज कभी किसी गंजे की शादी नहीं हुई आज तक। हमारा सेमिनार है टेक्निकल सेमिनार, हमारा सेमिनार है स्किल सेमिनार, हमारा सेमिनार है केमिकल सेमिनार, बिकॉज आजकल की हेयरड्रेसिंग सिर्फ बाल काटना नहीं, आजकल की हेयरड्रेसिंग स्ट्रेटनिंग है, हाइलाइटिंग है, कलर है, कैरेटिन है, और इसकी एजुकेशन लानी बहुत जरूरी है। तो आज जो हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ बाल काटने की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मेकअप की, बात करेंगे हम लोग केमिकल की, बात करेंगे ताकि आपके बाल खराब ना हो। बिकॉज बाल खराब अगर हो गए ना, आप हमें गाली देने वाले हैं। मैं उस गाली से बचना चाहता हूँ और लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। ये पूरे दिन का सेमिनार चलेगा, शाम तक चलेगा। और हम लोग ये सेमिनार में बहुत करता हूँ, जिसको मैं मास्टर क्लास बोलता हूँ। और ये एक तरह का प्रमोशन भी है इस प्रोफेशन के लिए कि प्लीज आपको जरूरी डॉक्टर बनना, आप बालों के डॉक्टर बनो, आपको जरूरी इंजीनियर बनना है, बालों के डॉक्टर बन जाओ। तो एक तरह का प्रमोशन भी होता है कि यस, एक नया प्रोफेशन है। फैमिली मेरी लेगेसी 105 साल की है। मेरे दादा बाल काटते थे, मेरे फादर अभी भी बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूँ। मेरे दादा बाल काटते थे राष्ट्रपति भवन के अंदर, जहाँ के क्लाइंटल उनकी बहुत ही रिच क्लाइंट थी। रिच का मतलब होता बहुत ही हाई क्लाइंटल थी, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन मेरे दादा के क्लाइंट थे, और मिसेज इंदिरा गांधी मेरे फादर के क्लाइंट है। मेरे क्लाइंट कौन है? हर इंसान इस कंट्री का। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे एक एक इंसान के बाल काटने। कुणाल जी, किस जगह अकेडमी और सलोन है? जसा सिंह घर के लागे सर्कुलर रोड के उ सिटी सेंटर बिल्डिंग है, नियर डॉक्टर रविंदर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने। और साड़ा जो सलोन है वह 5 साल पुराना है, और जी अकेडमी है वह सू रीसेंटली अज सर ने इनोग्रेट की है। और ये सर असी एजुकेशन सारे प्रोवाइड करा इस लाइन की, सो दैट कि जो भी बालों के नाल खेले वह प्रॉपर तरीके खेले, उन्होंने किसी के क्लाइंट के भी बाल खराब ना हो, इन्ना उन्होंने प्रोफेसनली स्किल्ड बनाया जाए। और जी फीस है सर ने डिस्क्राइब किया कि 3,000 रुपया पर वीक की फीस है। कोर्सेज तुम वीकली हिसाब से कर सकते हो, जो महीने के 4 वीक से तुम फीस अटेंड करोगे तो 12,000 प्लस GST फीस है हर कोर्स की। सर देखो, जिन्होंने तो प्रोफेसनल तरीके बाल कटना पसंद करते हैं सर, क्लाइंटेज उ ठीक है जी। बाकी हर एक तरह का क्लाइंट है, हर एक की पॉकेट अलग है, हर कोई अपनी अपनी मनपसंद जगह पर बाल कटना चाहता है। और असी एक जगह पर बैठ के हर एक क्लाइंट को सर्व नहीं कर सकते, और जो प्रोफेशनल तरीके से बाल कटाना पसंद करते हैं वो साढ़े को जरूर विजिट करते हैं। सर जो साढ़े को हेयर कट का प्राइस है वो आफ्टर डिस्काउंट 300 प्राइस है जी, और जो शेविंग और ट्रिमिंग का प्राइस है 150 प्राइस। और जो एक बार करा के जाता है और जो जिस तरीके का प्रोफेशनल तरीके असी हेयर कट वगैरह करते हैं वो उस तरीके के नाल ही कराना पसंद करते हैं, उस तो बाद दोबारा रिपीट जरूर करते। जावेद हबीब जी का जो तजर्बा उन्होंने पीढ़ियों का चला रहा है वो भी तुम लोगों शेयर कर रहे हो? बिल्कुल सर, जो टेक्निकल एजुकेशन सर प्रोवाइड करते हैं वो साडे स्टाइलिस्ट उतों ही उन्होंने ट्रेन होंगे ने, उही जो एजुकेशन है वो साडे स्टाइलिस्ट यूज करते क्लाइंट को सर्व करते हैं। और उस चीज़ का ही असी सानू बेनीफिट मिल रहा है कि सानू एक नॉर्मल सलोन वांगर क्लाइंटेज की वेट नहीं करनी पैंती, साडे ब्रांड के नाल क्लाइंट अपने आप साडे कोल विजिट करते हैं। अगर मान लो किसी ने जलंधर या चंडीगढ़ जाना तो फिर जिहड़ा तुहाडा क्लाइंट है तुहाडे कोल ही, तुहाडी फ्रेंचाइजी जिथे जिथे हैगी उहदे कोल ही जाना पसंद करेगा? वैसे सर एक पुरानी ट्रेडिशन चली आ रही कि जो भी एक स्टाइलिश की किस्म आदत पै जाती है वह उस के कोल ही विजिट करता है।
ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਬਰੋਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਲੋਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲੋਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ Thank you.